सभा में उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं मेरा अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर प्रताप देशमुख, बीएसएफ केमिकल कंपनी जर्मनी की, मैं बैतूल में आता हूं और यहां पूरा बैतूल ब्लॉक में देखता हूं यहां पे, ठीक है। तो आप बीएसएफ से तो जानते होंगे, परसों का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, डाला भी आप लोगों ने। चलो ठीक, तो आप लोगों ने क्या क्या लगाया है? कुछ लगा, सोयाबीन लगा, चलो सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। और आपकी जो भी नई समस्या है उसके बारे में आप बताइए कि ये समस्या आ रही है, ये घास नहीं मर रहा है, या क्या बोलते तो बीमारी कोई आ रही है, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं ना। तो आप पहले थोड़ा सा मुझे आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में फिर आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको बता देता हूं बीएसएफ क्या है। बीएसएफ एक केमिकल कंपनी है, ये जर्मनी की है, और बीएसएफ से अपना और बीएसएफ का पहले का ही रिश्ता है। ये एग्रीकल्चर केमिकल के अलावा गाड़ी का पेंट, कपड़ा, हर चीज बनाती है, ठीक है। ये किसी एक ही कंपनी है, एक प्रकार का ग्रुप है ये, ठीक है, बीएसएफ। और ये 100-150 देशों में काम करता है, जैसे भारत जैसे देशों 150-200 देशों में काम करता है बीएसएफ, ठीक है। तो बीएसएफ का मैं आपके बारे में बता दिया कि बीएसएफ ऐसी कंपनी है जो सोयाबीन लगाने से लेकर कटते तक आपके साथ में रहती है, यानी खेती बनाने से, ठीक है। और अपन खेती तो सब लोग करते हैं, लेकिन अपने को सबसे पहले क्या है, खेती पे ध्यान देना चाहिए कि अपनी जमीन कैसी होना चाहिए, उपजाऊ जमीन होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए, इसका अपने को ध्यान देना जरूरी है। और क्या है कि भूमि परीक्षण अति आवश्यक है। अगर आप खेती करते हैं तो सबसे पहले अपने खेत के चार कोने की मिट्टी लेके उसका परीक्षण कराएं, देखें कि किस पोषक तत्व की अपने जमीन के अंदर कमी है, उसका उसी पोषक तत्वों को आप उपयोग करें या डालें इसके अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है। तो आपने तो अभी खेती बना भी ली है और देख भी लिया होगा किस कमी की तत्वों की कमी है, तो उसकी डाली भी होगी आप लोगों ने, और सोयाबीन लगा भी दिया होगा, मक्का भी लगा दिया होगा, सोइंग भी आपने कर ली है ना। और सोइंग करने के साथ अभी अवस्था में आ गए कि फसल निकल भी गई अपने खेत के अंदर, है ना। फसल निकलने के बाद में उसके अंदर जो समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपन खेत में सोई करते उसके बाद में कौन सी समस्या आती है सबसे बड़ी, एक पहली समस्या तो क्या है, सोइंग करते तो जर्मिनेशन की समस्या आती है कि जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट आता है जीरोड़ा करके आता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, डबल टेक्निकल का प्रोडक्ट जीरोड़ा, उससे अगर आप बीज उपचार अपन करेंगे तो एक एक दाना निकलेगा और आपको बीज दर कम लगेगी। जहाँ पे आप 50 किलो बीज डालते हैं वहाँ पे 40-36 किलो आपको बीज डालना पड़ेगा, ठीक है। और उससे जर्मिनेशन भी होगा, साथ साथ क्या कि पौधा स्वस्थ हरा भरा निकलेगा। सीड ट्रीटमेंट यानी एक प्रकार का टिटनेस का इंजेक्शन है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी बच्चा देती है तो उसको क्या है कि टिटनेस इसको लगता है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए अपने को क्या है कि सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है, टिटनेस का इंजेक्शन देना जरूरी है। तो उसके लिए जीरोड़ा आता है बीज उपचार के लिए बीएसएफ का, ठीक है। पहले 22 दिन आता था, वो एक टेक्निकल का प्रोडक्ट था, अब ये ऊपर आ गया वो डबल टेक्निकल का है, जो बीज और जमीन दोनों को चेंज करता है, इसलिए पौधा स्वस्थ हरा भरा निकलता है। तो आपको आपने जमीन उपचार तो किया होगा ना, किया कि नहीं किया, सब पिछले उपचार किया, सब लोगों ने नहीं किया, किया हो तो जिन्हें किया होगा उस वक्त अच्छा प्रोडक्ट निकला होगा, सीधी बात है। और नहीं किया हो तो आगे से ध्यान रखो कि जो भी दाना अपन जमीन के अंदर डालते हैं उसको उपचारित करके डालें, ताकि आपकी फसल अच्छी निकले, ठीक है। अब बीज उपचार हो गया, आपकी फसल निकल गई, तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या रहती है, नींदी की समस्या रहती है, जो चारा जो खटका निकलता ना वो सबसे बड़ी समस्या रहती है। मक्का के अंदर भी अगर आप निंदाई नहीं करेंगे तो 70-80% नुकसान हो जाएगा, आपका पूरा मक्का बैठ जाएगा। सोयाबीन का भी ऐसा ही है, सोयाबीन के अंदर का भी निंदा अगर आपने साफ नहीं किया तो आपको उत्पादन में 60-70% नुकसान होगा, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए नींदा क्या है, बिलबुलाए मेहमान है, जिस बिलबुलाए मेहमान आते हैं तो कैसे तकलीफ हो जाती है घर में, कल आटा रहता नहीं रहता, चावल रहता नहीं, मंगाना पड़ता अपने को, सब कुछ तुरंत इंतजाम करना पड़ता। इस प्रकार ये नींदा भी ऐसा ही है जो कि क्या है बहुत तकलीफ देता है फसल को, तो उसको सबसे पहले अपने को खत्म करना है। अगर नींदा साफ हो जाएगा तो जमीन के अंदर के जितने पोषक तत्व है वो सारे पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे, तो पौधा अच्छा बनेगा, उत्पादन अपना अच्छा आएगा, है ना। तो उसके लिए अपने को नींदा नाशक का उपयोग करना चाहिए। बीएसएफ के 3 प्रोडक्ट नींदा नाशक में आते हैं, एक परसूट है जो 300 ml पर एकड़ डालते हैं अपन, जिसमें 10 प्रकार की घास मरती है, दूसरा ODC है जिसमें 16 प्रकार की घास कंट्रोल होती है, डबल टेक्निकल का प्रोडक्ट है वो, परसूट पर 10% इंडिया थाइपर है, ODC में 35% इंडिया थाइपर प्रसिद्ध मॉक्स है, ठीक है, वो 16 घास को मरता है, और एक स्टैंड आउट है वो 70% इंडिया थाइपर है, एक बार जो घास निकला हो तो मरेगा मरेगा, 15 दिन बाद पानी आएगा घास निकलेगा तो नींदा निकल के मर जाएगा, ऐसा है। तो 45 दिन तक का कंट्रोल है उसका स्टैंड आउट का, बीएसएफ का,
जबरदस्त चीज लाइए, क्योंकि बीएसएफ का कठोर से तो जबरदस्ती घास मरते हैं, कुछ केन्या आया अदर प्रकार का जो घास नहीं मरता उसके लिए स्ट्रांग प्रोडक्ट बनाया स्टैंड आउट, उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं फसल के ऊपर, 70% इमेज हैपन। एक बार जो घास निकला हो तो मरेगा मरेगा, 15 दिन बाद जो घास निकलेगा निकल के दिखेगा उसके बाद मर जाएगा, तो ऐसा 45 दिन तक आपके फसल में किसी प्रकार का कोई चारा नहीं रहेगा, तो उससे क्या है कि बाद में फसल बड़ी हो जाती है तो फिर आगे अपने को दिक्कत नहीं आती है। ये हो गया अपना नीलानाशक का, ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट हमारा था बी एस एफ का लियोसिन, उसका कुछ भी क्लोरोबैक्वाइड क्लोराइड है वो पौधे को बनाने काम करता है, ठीक है। जो पौधा एकदम ज्यादा बाढ़ करता है उसमें शाखा फैलाएगा, ब्रांचेस लाएगा, ठीक है, और जो छोटा उसको बढ़ाएगा, ये लियोसिन का काम है। मात्र 250 ml पर एकड़ लियोसिन का स्प्रे आप करो नीलानाशक मारने के 8 से 10 दिन बाद, यानी कि 30-35 दिन में लियोसिन का स्प्रे करो तो आपकी फसल एकदम बढ़िया झकास हो जाएगी। यानी कि लियोसिन ऐसी चीज है कि बढ़िया बढ़िया उधर आ जाएगी, बढ़ जाएगी उधर अंदर पौधे को मजबूती प्रदान कराएगा, और जितने पौधे के अंदर जितनी शाखाएं जितनी ब्रांचेस निकलेगी उतनी अधिक फूल लगेंगे फल लगेंगे, ठीक है। और अगर